पटना में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई और बढ़ती महंगाई को रोकने की मांग को लेकर कल पटना के कोतवाली थाने में जेल भरो प्रदर्शन किया। पप्पू यादव की रिहाई, पेट्रोल डीजल के मूल्य पर एक्साइज ड्यूटी खत्म करने, युवा बेरोजगारों को महंगाई भत्ता देने, कोरोना से मृत परिवार को 4 लाख मुआवजा राशि, कृषि को मनरेगा से जोड़ने, बाढ़ और जल जमाव को स्थायी समाधान देने की मांग के साथ हजारों की संख्या में नेताओं ने गिरफ्तारी दी। बिहार सरकार साजिश के तहत पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। जेल भरो अभियान में सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के सदस्यों सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। जाप के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें बीते दिन 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुकी है और डीजल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर होने के कगार पर है। इससे आम जनता में आक्रोश है। अगर सरकार पेट्रोलियम पदार्थों से एक्साइज ड्यूटी को खत्म नहीं करेगी तो हमारा आंदोलन और उग्र होगा। पिछले 18 माह से सूबे के सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। इसके बावजूद भी स्कूलों के द्वारा छात्रों से शुल्क लिया जा रहा है। निजी स्कूल व कोचिंग की मनमानी तो और चरम पर है। ऐसे में जन अधिकार पार्टी की स्पष्ट मांग है कि पढ़ाई नहीं तो शुल्क नहीं। कोरोना मृत व्यक्तियों के परिवारों को 4 लाख की सहायता राशि देने की मांग भी की है। अपने नेता की रिहाई के लिए इतने बड़े बड़े आंदोलन क्यों सरकार चुप? सवाल सिर्फ पप्पू यादव की रिहाई का नहीं, आप अस्पतालों की व्यवस्था सुधीर कर लिए रहते हैं और पप्पू यादव जी का जीवन जेल में रख दिया, कोई अंतर, कोई फर्क नहीं है। आप बिहार की जनता को कानून व्यवस्था से भयमुक्त कर दीजिए, जो व्यवस्था आपकी है, अपराधियों के तांडव जो है आप मुक्त कर दीजिए, अपराधियों से अपराध मुक्त बिहार बना दीजिए, पप्पू यादव को जिंदगी भर जेल भेजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप झूठे वादे करते हैं, आप कोरोना जैसे काल में भी आम आदमी को ठग रहे हैं। आप घोषित कर दिए कि 4 लाख रुपया देंगे, केंद्र सरकार कह दिया कि नहीं देंगे, और फिर आपने एक नया कानून बना दिया कि हम जो कानून के तहत मानेंगे कि ये कोविड के पेशेंट थे उसी को देंगे, कि कौन सा कानून? आप इससे अच्छा तक घोषणा नहीं करते, ऐसे भी मर रहे हैं, मरने के लोगों छोड़ देते। आप डीजल पेट्रोल जब आपका 60 और 70 रुपये था तो हाय तोबा आप कर रहे थे, आप 100 के पार है। आप एक्साइज ड्यूटी कम कीजिए, आप हेड को कम कीजिए, और पप्पू यादव बता सकते हैं कि पप्पू यादव को 45 दिन से पुराने 32 साल के केसों में आप रखे हैं। नीतीश कुमार जी, उस वक्त आपके पुलिस को और उस मधेपुरा और सहरसा के पुलिस को नहीं पता था कि जिस मंच पर भाषण दे रहे थे उस मंच पर भाषण पप्पू यादव जी दे रहे थे, उस पर पुलिस के पास वारंट कहाँ था, उस पर पप्पू यादव के पास कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट क्यों नहीं दिखाया गया? लगातार पप्पू यादव जी चुनाव लड़ते रहे, शादी ब्याह हर सबके सुख दुख में घूमते रहे, कुछ नहीं दिखा। और इसी कोरोना में क्या ट्विस्ट है, क्या माजरा है कि पप्पू यादव सहित अन्य लोग भी जो आपके खिलाफ बोलेंगे, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे किसी भी जगत के लोग हों, चाहे फिल्मी जगत के लोग हों, जो आपको बोलेंगे उस पर मुकदमा कीजिएगा, जेल भाज दीजिएगा। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी, आप दोनों की सांठ गांठ के खिलाफ आज बिहार के नौजवानों में गुस्सा दिखा है, और खुद पप्पू यादव जी के रिहाई को लेकर के, अनपांसुत्री मांगों को लेकर के इस पटना के सड़कों पर कोतवाली थाने में कचकताओं ने खुद गिरफ्तारी देने के लिए आया है। मैं भी गिरफ्तारी देने के लिए आया हूँ। ये अपने षड्यंत्र के तहत ये हमें लठी डंटा गोली की भय दिखा करके हमें किसी कैदखाने में ले जाकर रख दिए हैं। हमारे कार्यकर्ता सहित हमारे नेताओं को किसी न किसी कैदखाने में ले जाकर रख दिए हैं। हम डरने घबराने वाले नहीं हैं, हमें नहीं पता है कार्यकर्ताओं को कहां ले जाकर के रखे हैं। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी और आपकी पुलिस को बताना चाहता हूँ, एक भी कार्यकर्ता की खरोच आई तो इससे भी बुरा आपको सपना जो आएगा रात में दिखेगा कि हम सत्ता से बाहर हैं और हमारी पुलिस कांध है कि उठक बैठक कर रही है और बिहार की जनता से माफ़ी मांग रही है।